सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक टीच। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉकडाउन की हालत में अपने घर के लिए राशन किस तरह से ले सकते हैं। अगर आप सीरियसली मुस्तहक हैं तभी आपको ये चीज़ जो ये ट्रिक और ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास आपको नीड नहीं है राशन की तो फिर आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप राशन किस तरह से ले सकते हैं और अपने घर बैठे जो है सिर्फ अपना नाम, ईमेल, अपना एड्रेस और नाम इंटर करके जो है किस तरह से मंगा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से। इंटरनेट की ज़रूरत होगी आपको थोड़ी देर के लिए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो भी आप राशन किस तरह से ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा मेथड है, आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और नई अपडेट्स के लिए जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के साथ वाला बटन जो है बेल आइकन वो भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप राशन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइप करना है आपको राशन पास गॉव। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ राशन पास गॉव, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही आपको जो टाइप करना है, उसके बाद एंटर कर देना है या फिर यानी कि सर्च कर देना। उसके बाद जो आप पहली वाली वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से भी सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर राशन पास गॉफ सर्च करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। एहसास राशन प्रोग्राम की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी इधर एड्स वगैरह आपको शो नहीं होंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, राशन इमदाद हासिल करने के लिए यहाँ नाम जमा करवाएं। आपको अपना नाम वगैरह इधर इंटर करना है और इधर यानी कि एक ये रिक्वेस्ट पेपर या फिर आप समझ लें राशन हासिल करने की दरख्वास्त है ये आपके लिए। तो यहाँ पे आपको राशन हासिल करने के लिए अपना नाम इंटर करना होगा। इधर मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ, कुछ भी नाम इंटर कर लेना इधर। इसके बाद जो आपको इधर अपना NIC नंबर जो है लाजमी इंटर करना होगा। NIC नंबर जो 13 नंबर का होता है वो आपकी शनाख्ती कार्ड पर जो है लिखा हुआ होता है। उसके अलावा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने NIC की इशू डेट लिखनी है, जब आपका NIC का इशू हुआ था वो भी आपके NIC पे लिखा होता है। सिंपली NIC लेके जो है उस पर सेम टाइप कर दीजिए। और टाइप करने के बाद जो है मैं भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये टाइप करने के बाद जो है ख़ानदान के अफराद, मतलब कि आपकी फ़ैमिली में कितने मेम्बर्स हैं जो आपको राशन चाहिए, आपके फ़ैमिली मेम्बर्स कितने हैं। तो जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हैं आप उधर इतने लिख दिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने हैं आपको उतने ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मुकम्मल पता लिखना है, यानी कि एड्रेस आपको लिखना है, ईमेल एड्रेस नहीं लिखना, आपको अपना एड्रेस, घर का एड्रेस लिखना है। आपको सबसे पहले अपने एरिया का नाम लिखना है, तो उसके एरिया के नाम के बाद जो है अपना हाउस नंबर लिख देना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और नीचे आप देख सकते हैं ज़िले में जो है आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। कराची जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कराची ईस्ट, साउथ और वेस्ट तीनों हैं इधर, आपको जो है एक सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप रहते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जाइए तहसील में, जो है तहसील में यहाँ पे जो है औरंगी टाउन में सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप जहाँ पे भी रहते हैं गुलजार हिजरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो आप जहाँ पे भी रहते हैं यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है आपको सबसे अहम जो है मोबाइल नंबर इंटर करना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना लाजमी है। अगर आप मोबाइल नंबर इंटर नहीं करेंगे तो आपका राशन आपके घर के पास आके वापस चले जाएगा। और ये मेथड जो है मैंने आपको पहले बता दूँ कि मैंने अभी तक ये मंगाया नहीं है, इस वजह से मैं आपको 100% श्योर नहीं करूँगा कि आप इससे मंगा लें आ जाएगा, तो ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये मेरे फ्रेंड ने जो मुझे बताया था तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और उनसे मैंने कंफर्म भी किया था कि ये रियल मेथड है या फिर फेक है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 100% रियल है। तो मैंने बोला आप लोगों को बता दूँ कि शायद किसी का भला हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको जमा करवा देना है, तो जमा करवाने वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जमा करवा देंगे। लेकिन मैं जमा करवाने वाले बटन पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे जमा नहीं करवानी अपनी दरख्वास्त। तो उसके अलावा मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं भी है तो आपको कोई मसला नहीं है। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगा एक और मेथड, अगर आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है तो उसका वो वाला मेथड बताने के लिए जो आपको वीडियो को देखते रहना है, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लिए। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं अगर आपकी दरख्वास्त जमा कराने के बाद 4 दिन तक राशन मौसूल नहीं होता तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप किस तरीके से मंगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जो आपके पास छोटा वाला जो मोबाइल होता है उसमें जो आपको मैसेज करना है 4471 पे जो है अपना सबसे पहले नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसके बाद NIC नंबर लिख के फ़ोन नंबर इंटर कर दिए, उसके बाद वो जो है आप सेंड कर दीजिए, तो आपको जो है दरख्वास्त मौसूल हो जाएगी बगैर इंटरनेट बगैर कंप्यूटर के भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बता दूँ नंबर जो है 4471 ये नंबर है, इस पर आप अपना नाम, एड्रेस और NIC और फ़ोन नंबर अगर इंटर करके उनको सेंड करेंगे तो आपको राशन मिल जाएगा 4 दिन के अंदर अंदर। अगर नहीं मिले तो आप जो है इन पर मैसेज करके जो है या कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हैं क्या मसला है, क्यों नहीं मिला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।